Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Data Structure and Algorithm, we started our Unit 2. So Unit 2 is based on searching and sorting, where we already discussed about searching techniques like linear search and binary search. So second thing is a sorting. So you can check my previous video where we are discuss about the bubble sort and selection sort, okay, with algorithm and implementation in C programming also. So in this video, we discuss about the third type of sorting technique, that is the insertion sort. So let us discuss what is mean by insertion sort. So ये example अगर मैं consider करती हूँ यहाँ पे 85, 85, 12, 59, 45, 72 and 51. टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सी है. यहाँ पे भी 6 है, सो चेंज करने की ज़रूरत नहीं. सो मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे. हमारा एरे होगा ये वाला एरे, देन उसको अनसॉर्टेड एरे, पहले ये वाला मैसेज हम प्रिंट करेंगे. प्रिंट एरे फंक्शन कॉल करके सारे एरे को प्रिंट करेंगे. देन इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है, जिसके अंदर हमारा एरे होगा ये वाला एरे और उसकी साइज है 6. सो ये वाला इंसर्शन फंक्शन वो कॉल करेगा. सो यहाँ पे देखो, सो स्वैपिंग के लिए अलग से कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया है. हम डायरेक्टली स्वैपिंग फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने सिलेक्शन और बबल सॉर्ट में किया था. यहाँ पे विदाउट स्वैपिंग फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं. सो आई इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है. ओके, 1 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू. सो एरे ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? की एलिमेंट दैट इज 0 और 1 मीन्स 12 नंबर हो जाएगा. ठीक है, सो आई माइनस 1, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, दैट इज 85. सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू. एंड एरे ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन की एलिमेंट है क्या? 85 इज ग्रेटर देन 12 कंडीशन ट्रू. सो अगर कंडीशन ट्रू आती है, सो एरे ऑफ 0 को हमें क्या करना है? 0 प्लस 1 दैट इज 1 मीन्स 85 को कहाँ पे प्लेस करो? 1 पोजीशन के ऊपर. और जे कितना था हमारा? 1 माइनस 1 मीन्स जे को क्या करो? 0. और की एलिमेंट कौन सा है हमारा? 12. उसको कहाँ पे प्लेस करो? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा की एलिमेंट. ओके, 0 करने के बाद की एलिमेंट जो है उसको हम ये कंसिडर करो. सो ये हो जाएगा 12 एंड 85. अगेन आई प्लस प्लस करके क्या हो जाएगा यहाँ पे? 85 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? 59. सो वी हैव टू कंपेयर हियर, 85 इज ग्रेटर देन 59 कंडीशन ट्रू. सो देन अगेन यहाँ पे सेम हमें क्या करना है? 85 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, 59 को यहाँ पे शिफ्ट करना है. ओके, सो ये लॉजिक होगा हमारे इंसर्शन सॉर्ट का. क्लियर, अंडरस्टूड? एनी डाउट अप टू दिस? यस और नो? नहीं समझ में आया? समझ में आया या नहीं? यस और नो? आपको जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये बबल सॉर्ट का आपको एक्सप्लेन किया है ना, आई की वैल्यू कंसीडर करो, जे की वैल्यू कंसीडर करो, देन कंपैरिजन करो. तो पता चलना चाहिए आप लोगों को, एरे ऑफ आई क्या होगा? 34. एरे ऑफ जे क्या होगा? 76. सेम ही यहाँ पे. ठीक है, सो ये वाला एग्जाम्पल में, क्योंकि पेंट में बहुत मुश्किल जाता है हर एक पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार पूछ रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो घर पे खुद से ट्राई करो ये प्रोग्राम, जैसे मैंने बबल सॉर्ट का कैसे बताया आप लोगों को, सेम आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा. ठीक है, सो मेन फंक्शन सेम होगा, प्रिंट एरे भी सेम होगा. बस यहाँ पे जो भी जितने भी बार मैंने फंक्शन लिखे हैं ना, यहाँ पे बबल सॉर्ट होगा या फिर सिलेक्शन सॉर्ट, बस ये लॉजिक डिफरेंट होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज है. ठीक है,
सो नेक्स्ट इज अ इंसर्शन सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी, सेम अगर सॉर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है सो बिग ऑफ एन होगा, एवरेज केस बिग ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट केस बिग ऑफ एन स्क्वायर, देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन एंड यस. ओके थैंक यू.